हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी C67 5G फ़ोन है, तो आप देख सकते हैं कि आप कैसे अपने रियल मी C67 5G फ़ोन में कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को इनेबल करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड कैसे आप स्पैम कॉल्स वगैरह को शो कर सकते हैं, एंड सस्पेक्टेड कॉल एंड फ्रॉड कॉल्स को भी कैसे शो कर पाएंगे कॉलिंग्स में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन में कॉलर आईडी का आप यूज़ कर सकते हैं और कॉलर आईडी स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को इनेबल कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को इनेबल कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है। तो इसके लिए आपको जाना होगा बैक करके फ़ोन आइकन सेटिंग्स पे। फ़ोन आइकन सेटिंग्स पे जाकर आपके पास ये फ़ोन आइकन सेटिंग्स इस तरीके से ओपन हो जाती है। तो थ्री डॉट पे जाना है, सेटिंग्स को ओपन करना है। तो कॉलिंग सेटिंग्स आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी, तो कॉलर आईडी स्पैम आईडी पे आ जाएंगे, जिसके ज़रिए कॉलर आईडी स्पैम आईडी को इस तरीके से ऑन कर देंगे या फिर इनेबल कर देंगे। इनेबल करते ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके फ़ोन में स्पैम आईडी या कॉलर आईडी है इसका यूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड आप फिल्टर स्पैम कॉल्स को भी इस तरीके से इनेबल करते हैं या फिर ऑन करते हैं तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप सस्पेक्टेड कॉल एंड फ्रॉड कॉल्स को आसानी से पता कर सकते हैं और शो कर सकते हैं अपने कॉलिंग्स पे। तो इस तरीके से कॉलर आईडी का यूज़ कर सकते हैं आप। कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का यूज़ करते हैं, इससे अपनी कॉलिंग्स को अनाउंस कर सकते हैं, डोंट अलाउ भी कर सकते हैं अनाउंस करने के लिए, ऑलवेज करके यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से कॉलर आईडी का यूज़ कर सकते हैं रियलमी C67 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें एंड वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो